हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाला हूँ दुर्गा माता की ड्राइंग। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वाटर कलर, पेंसिल कलर, वॉल पेस्टल। जी हाँ, आज मैं ये तीनों कलर एक ही पेंटिंग में करने वाला हूँ। मुझे पता नहीं ये पेंटिंग कैसे बनेगा। ये पेंटिंग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इन तक देखें मेरे साथ, चलिए स्टार्ट कर। सो मैंने दुर्गा माता का आउटलाइन पहले से कर लिया है, तो मैं इस पर ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ पहले, और साथ ही कलर पेंसिल का भी। तो इससे अच्छे से आईब्रो पे कलर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आई को बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। सो आप देख ही सकते हो, मैं कलर पेंसिल, स्टेलर पेंसिल और जो भी मिला उसी से कलर करना स्टार्ट कर दिया हूँ। पता नहीं कैसे बनने वाला है। मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ और एक्साइटेड भी हूँ ये देखने के लिए एक कैसे बनेगा। फिर मैं पिंक कलर को कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग मैं कलर कर रहा हूँ जो जो कलर मुझे दिख रहा है। और मैं यहाँ पे कहीं कहीं ब्लैक मार्कर का भी यूज़ किया हूँ ब्लैक एरिया के लिए। इस वीडियो पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टिकुलर कलर को ही करना है। मैं इस पे सभी कलर के यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, आप बने रहे और देखिए बनने के बाद कैसे लगता है।
दोस्तों फाइनल वीडियो कंप्लीट हो चुका है और ये रहा पेंटिंग। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं सोचा था कि ये पेंटिंग बिगड़ जाएगा, लेकिन ये बिगड़ा नहीं क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये तीनों कलर एक ही साथ यूज़ किया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये पेंटिंग आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।